मैं जा रहा था अभी ऊपर, बट सारा मूड ख़राब हो गया। अब मुझे, मैं नीचे आ गया, उन्होंने किसी दूसरे ट्रक में बिठा दिया। अब नीचे जाने वाले ट्रक में मैं बैठ तो चुका हूँ, तो अभी नीचे थोड़ा पास में ही रुके हैं। यहाँ से सरचू कम से कम 33 किलोमीटर रह गया, बट मैं अभी इनके साथ जा तो रहा हूँ, ये अभी रुके हुए, मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई कार वाला लिफ्ट दे दे, बट कार वाला कोई दे नहीं रहा। अभी एक चंडीगढ़ की, एक दिल्ली की गई है कार, बट लिफ्ट मुझे शायद ही मिले, और मैं इसलिए सोच रहा हूँ जल्दी से जल्दी पहुँच जाऊँ कार में बैठ के। मूड सारा ही ख़राब हो गया यार, आज किस्मत इतनी बेकार चल रही है। पहले ऊपर वो सीन हो गया, अब जिस ट्रक में आ रहा था अभी थोड़ा सा ही चले हैं, पंचर हो गया। सामने बर्फ़ पड़ी हुई है, ऊपर से बारिश हो रही है और मुझे ठंड लग रही है। अभी पंचर लगवाया, थोड़ी गर्मी आई है, हाथ देखो दोनों गंदे हो चुके हैं। अब मनाली कल सुबह ही पहुंचेंगे, अभी थोड़ी आगे जाके देखते हैं, रात 6:30 तो हो ही गया। हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज मैं, कल बहुत सैड हो गया था क्योंकि मैं जा रहा था लद्दाख, बट मेरा लद्दाख वाला आपने लास्ट लोग देखो होगा, वो हो नहीं पाया कंप्लीट, और मैं फिर कल वहाँ से वापस आ गया था। कल मैंने पूरा दिन व्लॉग बनाया नहीं, वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि बस सैड हो चुका था, मूड ख़राब हो गया था। तो कल मैं ट्रक लेके आ गया वहाँ से, ट्रक पे लिफ्ट मिली मुझे रात, हम रुक गए थे शीशु से थोड़ा पीछे, रुक गए थे 15-20 किलोमीटर, वहाँ रात रुके, खाना खुना खा के सुबह सुबह चले। अब मैं पहुँच गया अटल टनल पे, वो मनाली तक का ट्रक मिल गया था मुझे, बट मैं यहाँ उतर गया, मैं गया रहा अटल टनल पे, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं फिर आगे चलते हैं। आओ चले फिर अटल टनल की तरफ। यहाँ पे ब्रिज है मेरे बैक साइड, इसको पैदल पैदल क्रॉस करते हैं फिर अटल टनल के पास जाके, एक आधी फ़ोटो खिंचा लेंगे हम भी, उसके बाद फिर मैं लिफ्ट ले लूँगा, देखूँगा मुझे कहाँ तक की लिफ्ट मिलती है, कहाँ तक की क्या भाई मनाली की मिल जाएगी, पास ही रह गया। इट्स ऑल अबाउट अटल टनल। टाइम हो गया 8:15 हो गया और मैं बैठा हूँ अटल टनल के बाहर, वेट कर रहा हूँ लिफ्ट का, देखते हैं लिफ्ट मिलती है फिर चलते हैं मनाली। स्टे ट्यून्ड। 10-15 मिनट के वेट के बाद फाइनली भाई ने लिफ्ट दे दिया मुझे। क्या नाम अभी आपका? नाम कुछ है नहीं है। अच्छा, कहाँ से हो आप? लाहौल से। अच्छा, लाहौल से हो, अभी कहाँ जा रहे हो? मनाली? नहीं, कुल्लू। अच्छा, कुल्लू जा रहे हो, चलो बढ़िया। मैंने मनाली जाना, मुझे मनाली तक की लिफ्ट मिल गई, ठीक है, बाय बाय। बाहर पड़ रही है काफ़ी धुंध और बारिश हो रही है, और भैया बता रहे हैं इस जगह का नाम ही धुंधी है, इसलिए यहाँ धुंध ही पड़ती रहती है सारी पूरे साल। मैं पहुँच चुका हूँ मनाली में, और जिस भाई ने मुझे लिफ्ट दी थी वो था लाहौल से। भाई ने बहुत कुछ बताया लाहौल के बारे में, स्पीति के बारे में हो, और अपनी संस्कृति के बारे में कि वहाँ बुद्धिस्ट भाषा बोली जाती है, क्या क्या सीन रहता है। पर अब हल्की हल्की बारिश हो रही है और फ़ोन में चार्जिंग भी कम है। मैं फिर बताता हूँ कि मैं लद्दाख जा रहा था पर पहुँच गया मनाली, क्या सीन हुआ। चलो फिर बने रहो मेरे चैनल पे। सोया, आई एम इन मनाली राइट नाउ। तो सीन क्या हुआ था एक्चुअल में, कि मैं यहाँ से लद्दाख जा रहा था फिर मैं मनाली आ गया, आगे का कोई व्लॉग नहीं आया। एक्चुअल में मैं निकला था सिसु के लिए, जिसके लिए मेरे पास सिर्फ निक्कर और टी शर्ट में ही था मैं, एक मैंने चार्जर और अपना जैकेट मुझे नहीं पता कैसे बैग में रख लिया, मूड में आया मैं कहा चलो बैग में रख लेते, और एक दिन का मैं खाना लेके निकला वो था, और टेंट था मेरे पास। तो जब मैं जा रहा था, आपने वीडियो देखी होगी, वो मुझे ट्रक वाले भाई मिल गए थे, तो उन्होंने बोला हम लद्दाख जा रहे हैं, तो मैंने जस्ट वैसे बोल दिया कि चलो मैं भी लद्दाख चलता हूँ, मेरा मन था नहीं, मैंने कहा यार, क्योंकि मैं घर से सोच के आया था और मेरे पास सामान भी नहीं था लद्दाख जाने के लिए। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया,
सुनील को जो मनाली में ही रहता है, तो उससे मैंने बात करी। मैं कह रहा ऐसे ऐसे बात है, मुझे लद्दाख के लिए मुझे ट्रक मिल गया, मैं इसी में वापस आ जाऊँगा, जाऊँ या ना जाऊँ। वो बोला चला जा। मैं कहा यार मेरा दिल नहीं मान रहा जाने का, मुझे रिस्की लग रहा है थोड़ा, क्योंकि मेरे पास सामान भी नहीं है और 1.5 दिन लगेगा ट्रक में फिर वापस आना। तो मैं कहा नहीं यार मैं नहीं जा रहा। फिर उसको फ़ोन आया, वो बोला चला जा, एक ही बार मौका मिलता है ज़िंदगी में। मैं कहा चलो यार देखी जाएगी, चले जाते हैं। तो फिर मैं बहुत सही जा रहा था अपना, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। बट यार एक चीज़ हुई कि 1.5 दिन हो गए मुझे ट्रक में बैठे बैठे। एक दिन तो आराम से निकल गया जैसे गया, जब दूसरा दिन स्टार्ट हुआ तो मेरा पेशेंस लेवल डाउन हो रहा था ट्रक में बैठे बैठे। मुझे यार बोर सा फील होने लगा। खाना खुना उन्होंने खिलाया भाई, और बहुत सही बंदे थे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट यार वो अपने अकॉर्डिंग चल रहे थे, कि उन्हें रुक रुक के चल रहे थे, जैसे उनके ट्रक को रेस्ट देना था, टायर वगैरह गर्म हो रहे थे, बीच में वो अपना खाने पीने का सिस्टम देख रहे थे तो रुक रहे थे। तो मेरे पेशेंस बहुत डाउन जा रहे थे, कि मुझे ऐसा हो रहा था यार नहीं यार बहुत 1.5 दिन हो गए, 1.5 दिन हो गए। उन्होंने बोला कि यार अभी रात उस टाइम 12 बज रहे थे, तो वो बोले मैं कहा आप कब तक पहुंच जाएंगे? उन्होंने कहा अभी टाइम लग जाएगा, रात के 9-10 बज जाएंगे। मैंने कहा 9-10 बजेंगे, फिर अगले दिन फिर वो चलेंगे, फिर 1-1.5 दिन दोबारा लग जाएगा, मतलब 2 दिन जाने के 1 दिन आने का, आधा दिन वहाँ पे उन्होंने माल उतारना था फिर चलना था। तो मैंने कहा यार बहुत बहुत हो रहा है, फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, पेशेंस रख के बैठा रहा। बट क्या हुआ यार मेरे ना इंटरनली मुझे ऐसा फील होने लगा कि मुझे कुछ भूख ही नहीं लग रही थी। मैंने एक दिन पूरा कुछ नहीं खाया। उन्होंने भाइयों ने मुझसे पूछा, मैंने रात जब आपको वीडियो में दिखाया था कि मैंने मटन खाया, उससे अगले दिन मैंने कुछ नहीं खाया। उन्होंने चाय पी गई मेरे से, उन्होंने खाया पिया मेरे से कुछ भी नहीं खाया जा रहा, यहाँ तक कि पानी भी नहीं मैं पी पा रहा था। मुझे अंदर से ऐसे बड़ा बेकार सा फील हो रहा था, पता नहीं क्यों ना कुछ अंदर जा रहा था। फिर 12-1 बज रहे थे उस टाइम, तो मैंने उन्हें यार जब पेशेंस लेवल मेरा ख़त्म हो चुका था, तो मैंने कहा यार भाई वो रेस्ट करने के लिए रुक गए, उन्होंने खाना खुना बनाया। मैं कहा यार भाई मैं ना जा रहा हूँ आगे लिफ्ट लेके किसी चीज़ से। तो उन्होंने बोला यार ऐसे कैसे जा रहा है? मुझे भी था यार, मैं कहा रिस्क है वैसे जाना आगे, क्योंकि अब मुझे इनके साथ तो मैं वापस भी आ जाऊँगा, इनके साथ 1-1.5 दिन रहा, इनको मेरा नेचर पता चल गया, मुझे उनका पता चल गया, बट आगे मुझे कौन मिले कौन ना मिले। मगर यार टेंट लगा के रह लूँगा, और थोड़ा वहाँ पे ठंड वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया था कि ऊपर जैसे जाए जा रहे थे ठंड बढ़ती जा रही थी। तो मैंने कहा यार फिर भी मैंने कहा यार चल ही जाते हैं, यहाँ तक आगे तो आगे भी देखा जाएगा। मैं कहा यार कैंप मेरे पास है, और जो भी दिक्कत आएगी देख लेंगे यार, कोई दिक्कत आएगी किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी तो ले लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। और दूसरी बात सबसे मतलब बेकार बात मेरी, कि मैं यहाँ से जब निकला मैं जल्दी जल्दी में जो मैं इमरजेंसी के लिए थोड़े पैसे अपने पास रख के चल रहा था, मैंने वो भी नहीं उठाए, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। फिर भी मैं सोच रहा था, मैं कहा यार चले जाते हैं देखी जाएगी क्या हो गया, जैसे मैं यहाँ तक आ गया आगे भी चले जाएंगे। तो मैंने उन्हें कहा भाई मैं जा रहा हूँ आगे, वो बोले नहीं नहीं यहाँ से ऊपर जाना सही नहीं है। और मैंने उन्हें ऐसे बोला यही नहीं बताया, मैं कहा यार मेरे ना बेचैनी फील हो रही है मुझे, मैं कहना ये चाह रहा था कि मैं ट्रक में बैठा बैठा थोड़ा बोर हो गया, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा अब ट्रक में बैठे रहना यार कैबिन के अंदर ही। आधा दिन 1 दिन तो मैंने कर लिया बिल्कुल पास, बस जब नेक्स्ट डे था वो थोड़ा बहुत ही मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। फिर उन्होंने कहा यार ऐसे कर, अगर तेरे को ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो वापस चला जा ऊपर जाने की बजाय। वो बोले कि यार पता नहीं ऊपर यार टेम्परेचर भी डाउन है, ऑक्सीजन की कमी है, तुझे कुछ हो गया हम भी क्या ही कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ना उनके पास कोई मेडिसिन है ना कुछ ऐसा वैसा कोई सीन है, उनका तो डेली का काम है। बट वो बोले यार तू नीचे चला जा। मैं कहा नहीं यार मैं चला जाऊँगा, चलो मैं कहा तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। 12:30-1 बज रहे थे, तो 2 घंटे और लग गए, मैं उन्हीं के साथ बैठा रहा। शायद मेरे ख्याल 12 बजे की ये बात थी, 2 बज गए थे, 2 बजे तक मैंने 2 घंटे फिर आराम से निकाले। जो लद्दाख की हाइट है आई थिंक 19,000 फीट है, मैं उनके साथ गया जहाँ तक मुझे लग रहा है 15,500-16,000 फीट तक गया उनके साथ, मतलब 3,000 फीट और रह गया था। और उस टाइम 12 से 2 बजे तक का टाइम हो गया था, 2 बज गए थे। उन्होंने बोला कि रात के 9-10 बजे पहुँच जाएंगे, मतलब 8 घंटे रह गए थे। मैंने मूड बना लिया, मैं कहा चलो यार मैं आपके साथ ही चलता हूँ, जो कुछ होगा देखा जाएगा, और क्या हो सकता है इससे ऊपर। क्योंकि मैं कह यार मैं इतनी हाइट पर आ गया अपने पेशेंस पूरे वो करके, मैं कहा यार अब वापस जाना तो यार सही नहीं है मेरे लिए ना, मुझे बहुत बेकार फील होगा। उन्होंने फिर एक दो बंदे उनके साथ मिले, उन्होंने उनके साथ बात करी, ऐसे ऐसे लड़का आया हुआ ये और ऐसे ऐसे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वापस भेजें या क्या करें। वो बंदे बोले वापस भेजो, ऊपर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। बट मैं सुन रहा था ना मुझे बड़ा बुरा लग रहा था, मैंने कहा नहीं यार वापस जाके तो बहुत मतलब मुझे नहीं अच्छा फील होगा। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने मैं 12 से 2 बजे वाला टाइम था जो मैं उस टाइम मैं लेट गया, मैं कह यार लेट जाता हूँ, लेटे लेटे जल्दी सफ़र पता भी नहीं चलेगा, बीत भी जाएगा, जब उठूँगा तो सीधा लद्दाख पहुँच जाऊँगा। मैं लेट गया, अचानक क्या हुआ, उन्होंने बस भी रुकवाई थी मेरे लिए मनाली के लिए,
बस वाले ने फटाफट रोक भी ली, वह सिंगल वे था, फिर भी बस वाले को ही मैंने रोक भी ली, सारा पूछ भी लिया, मैं कहा नहीं नहीं भैया आप जाओ, एक दो ट्रक रुकवाए बीच में, मैंने उनको ही मना कर दिया, मैं कहा नहीं नहीं आप जाओ। तो क्या हुआ, मैं जब सो गया उन्होंने फटाफट मुझे जल्दी जल्दी उठाया, वो बोले फटाफट बैठ, ट्रक आ गया साथ में, वो मनाली छोड़ेगा सीधा जाएगा बिना रुके। मेरे को, मैं नींद में ही था, मुझे पता भी नहीं चला कि मैं फटाफट, उन्होंने सामान मेरा बाय किड़ी विंडो से ही उनको दे दिया और मुझे बोले फटाफट तू जाके वहाँ बैठ भाई, और मैं भी जल्दी जल्दी उतर गया क्योंकि वो सिंगल वे था, पीछे ट्रक आ रहे थे, आगे से भी आ रहे थे, वहाँ मैं बैठ गया जल्दी जल्दी में, मेरा ट्राईपॉड भी उनके पास रह गया। बट एक और सबसे अच्छी बात भाइयों की, उन्होंने आते आते मुझे पैसे दे दिए, उन्होंने कहा भाई तू ये पैसे रख, कहीं भी तो रुकते हैं, कोई भूख लगती है, कोई भी दिक्कत हो तू खा, कुछ भी खा लियो। तो उन्होंने भाइयों ने मुझे पैसे भी दिए, और भी उन्होंने कहा कि पैसे और भी चाहिए तो और भी दे देते हैं, और तू बस जा अपना सेफ होके। तो जल्दी जल्दी में मेरा ट्राईपॉड उनके पास रह गया, वो तो चलो भाई के साथ कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर लिया हमने, तो बात हो गई थी, तो वो अब लद्दाख से वापस आके दिल्ली की तरफ भी चले गए, वो कह रहे चलो आते जाते मैं पकड़ा दूँगा। तो फिर ये सीन हुआ कि मैं जिनके साथ मैं उनकी गाड़ी में जाकर बैठा, मुझे नहीं पता वो कौन थे, क्या सीन था, बट उन्होंने कहा यार हमारा बंदा है, टेंशन ना लियो, अच्छे बंदे। मैं कहा चलो ठीक है भाई, जब मैं बिलीव के साथ यहाँ तक आए तो आगे भी सही। फिर मुझे उन ट्रक में मैं बैठा, उन्होंने भी मेरे से काफ़ी कुछ, 2:30 बजे बैठा, शाम तक मुझे कुछ भूख नहीं लगी, मैं जस्ट बैठा रहा। फिर उन्होंने रात को रोटी रोटी खाई, खिलाई, चाय पिलाई, और आपने मेरी वीडियो देखी होगी, रस्ते में हम अभी थोड़ा नीचे आ रहे थे, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था और बड़ा सैड फील कर रहा था। और हुआ क्या, जैसे ही मैं नीचे आने लगा, पहले ऊपर जा रहा था, सही टेम्परेचर था, जैसे ही नीचे आने लगा टेम्परेचर ऐसा डाउन हुआ, बारिश होगी, स्नो पड़ रही थी उस तरफ साइड वाली, पड़ नहीं रही थी, स्नो पड़ी हुई थी, उस वजह से बहुत ठंड हो रखी थी, तो मुझे बहुत ऐसे बुखार वाली फीलिंग आ रही थी। मैंने एक तो ये भी सोचा, मैं कहा चलो यार बढ़िया हो गया मैं नीचे आ गया, बट मैं ज़्यादा सैड फील कर रहा था कि मैं कहा नहीं यार बड़ी मुश्किल से मौका मिलता है ऐसा जाने का, बट फिर भी मैंने कहा यार ये भगवान का सब डिसाइडेड होता है ना कि हम कहाँ तक जा रहे हैं, कहाँ तक आ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मैं कहा चलो यार इसमें भी कोई अच्छाई होगी कि हम वापस आ रहे हैं, तो मैं कहा चलो यार इसमें ही भगवान का कुछ हो ही होगा। तो यही रीज़न था यार मेरा वापस आने का, मैं जस्ट नीचे तक आया, मुझे ठंड इतनी लग रही थी और इतना बेकार फील हो रहा था, मैं कुछ क्योंकि मेरा एक नहीं नहीं छेड़ना नहीं बाबू छेड़ना मत, अभी तुम्हारी फ़ोटो खींचूंगा, अभी छेड़ना मत, तो यहाँ आके बैठ जाओ, यहाँ आके बैठ जाओ, यहाँ यहाँ आ जाए, बैठ बस मैं पीछे, हाँ आ जा इधर आ जा। तो क्या हुआ, हाँ मैं फिर वहाँ पे मुझे बुखार वाला फील हो रहा था काफ़ी, और कुछ खा भी नहीं रखा था मैंने, वो बोले तू इस यहाँ टेम्परेचर डाउन हो रहा है इसलिए तू खा नहीं पा रहा, बट ऐसा कुछ सीन नहीं था क्योंकि टचवुड में ऐसा कोई मेरे को हार्ट का भी कोई नहीं है कि मुझे ऑक्सीजन की कमी से कोई दिक्कत हो रही हो, बट वो ये कि मैं सही नहीं फील कर रहा था 1.5 दिन ट्रक में बैठे बैठे, बस इसलिए मेरे को खाना नहीं खाया जा रहा था। तो यही बात हुई कि यार फिर मैं नीचे आ गया, और काफ़ी नीचे आने के बाद फिर थोड़ा मुझे सही फील हुआ, मैंने चाय पी और रात को हम रुक गए फिर सरचू के पास ही, मतलब यहाँ से पास में ही मनाली के, वहाँ फिर मुझे थोड़ा ऐसा फील हुआ, मैं कहा चलो यार ऊपर नहीं जाना, ये भगवान का डिसाइडेड था कि चलो नहीं जा रहा, अब नीचे जा रहे हैं तो पिछला भूल ही जाते हैं। फिर मैं आके थोड़ा मैंने वीडियो भी बनाई, फिर अगले दिन मेरा सही हुआ सिस्टम सारा। तो बस यही बात था कि यार मैं लद्दाख जा नहीं पाया, फिर मैं मनाली एक्सप्लोर कर रहा, बाकी आई विश कि अगर भगवान ने चाहा तो अब लद्दाख जाएंगे, बट कभी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ट्रक वगैरह पे मत जाओ, वैसे तो कोई जाएगा भी नहीं, मैं गया, बट मैं चाहता हूँ कि यार कोई जाए ना और मैं भी कभी इन फ्यूचर जाऊँगा नहीं, क्योंकि यार ट्रक में बहुत पेशेंस चाहिए बैठने के लिए 1.5-2 दिन ऐसे, अपने व्हीकल पे जाएं क्योंकि बंदा अपनी मर्जी से रुक सकता है, नॉर्मल तरीके से जैसे मर्जी जा सकता है, या बाइक पे, मैं चाहूँगा तो बाइक पे ही जाएं, और भगवान ने चाहा मैं बाइक पे ज़रूर जाऊँगा। तो बस यही था मेरा यार लद्दाख ना जाने का रीज़न। चलो फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में आप मनाली का टूर एक्सप्लोर करना, और होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, अगर पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पे नहीं होता सब्सक्राइब कर देना, बने रहें एक्सप्लोर विद सीनेक्स के साथ। आजा भाइयों एक फोटो खींचेंगे, आजा 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 आजा, बस फोन मत गिरा देना, वो मत गिरा भाई, छेड़ मत, आजा। चलो सारे बोलना एक्सप्लोर विद सीनेक्स, बोल लगे ये बोला नहीं, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, ये।